अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहार व्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस यार, पिछले दिनों एक फ़ोन आया था टेक्नो कैमन 16, जिसकी डील चल रही थी, लाइक वो 26,000 का मिल रहा था फ़ोन, ठीक है, वो कैमन 16 था। लेकिन आज की वीडियो में जिस फ़ोन की बात करने जा रहा हूँ मैं, वो है भाई कैमन 16 प्रीमियर, जिसकी बेस्ट डील चल रही है और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। लाइक 30,000 के बजट में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं इस वक्त, लाइक ये जो नोट 10 प्रो है इससे भी बेहतरीन है। सो ये फ़ोन आपको मिलेगा भी 30,000 का ही। ये टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर है, नोट कैमन 16, यस। और ये फ़ोन, इस फ़ोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 40,000 रुपये है, लेकिन अभी के लिए ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आगे चल के सारी चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले अब ये चीज़ देख लें, जान लें इस फ़ोन के बारे में, कैसा है, परचेज करना भी चाहिए या नहीं, और क्या खूबियां इस फोन में। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगे लाइक करना, लाइक यार लाजमी से करो, आज जो है वो 400 लाइक का टारगेट है, तो लाजमी से पूरा कर देना। और कमेंट भी लाजमी से करना, आपकी क्या फेवरेट चीज है इस फोन के बारे में और आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो भाई लेट्स बिगिन। ले जी, अभी के लिए जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन था वो नोट 10 प्रो ही था 30,000 में, जिसकी मैंने कल वीडियो भी अपलोड की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। लेकिन ये जो फ़ोन है टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर वाला, ये इससे भी बेहतर है नोट 10 प्रो से। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे, ये टेक्नो का ओल्ड मॉडल है, लाइक जो 08 सीरीज थी इन्फिनिक्स की, ये उसके कंपटीशन में आया था। खैर बात करते हैं इस फोन के बारे में। सो डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से स्टार्ट करूंगा। डिस्प्ले 6.85 इंचेस का डिस्प्ले है, एक IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, 450 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। उसी के साथ में डुअल पंच होल के साथ आ रहा है, जहां पर आपको मेन कैमरा फ्रंट पे 48 मेगापिक्सल्स की सेल्फी देखने को मिलेगी। उसके बाद में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड है। देखो डिस्प्ले के मामले में किसी भी किस्म का शको शोभा नहीं है, लाइक हर लिहाज से एक बेहतरीन डिस्प्ले है, और इस नोट 10 प्रो से तो बेहतर ही होगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। खैर यहाँ पर आपको सेल्फी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी। अगर आपने मेरा टेक्नो कैमन 17 प्रो वाला जो फ़ोन है ना, उसका कैमरा रिव्यू नहीं देखा, देख लेना, बिकॉज उसमें भी ये सेम चीज़ ही आती है, उसमें भी 48 मेगापिक्सल्स की सेल्फी है, एंड कैमरा यार तबाही है। जो टेक्नो की टाइवोस टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन चीज़ है। एंड अगर इसके बैक के कैमराज की बात करूँ, इसके डिज़ाइन की बात करूँ, डिज़ाइन मुझे तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको चीज़ अच्छी चाहिए तो डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगे। बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। एंड इस फोन में जो कैमराज आ रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 30,000 के बजट में जितने भी फोन आ रहे हैं ना, उनसे बेहतर ही होंगे इसके कैमराज। बिकॉज यार मैंने टेक्नो के बहुत सारे फोन ट्राई किए हैं, एंड जो टेक्नो की टाइवोस टेक्नोलॉजी है वो इस फोन में भी आती है, कैमराज के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा, स्लो मोशन वगैरह आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो ये एक कैमरा डिवाइस भी है। और उसके बाद में गाइस बात कर लीजिए मेमोरी की। ये फोन आता है 8GB 128GB वाले वेरियंट के साथ, और UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जो कि बेहतरीन चीज़ है। एंड प्रोसेसर की बात कर लीजिए, MediaTek का हिलियो G90T वाला, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, G95 इसका सक्सेसर है। इस वाले प्रोसेसर ने भी मार्केट में बहुत राज किया है, लाइक Redmi Note 8 Pro में और दूसरे फोन्स में, सो प्रोसेसर काफी अच्छा है, बट यहाँ पर भी आपको 40 FPS ही देखने को मिलेंगे। पबजी में पबजी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है इस फोन की, अगर 30,000 को देखा जाए तो 40 FPS आपको नाराज नहीं करेंगे, पबजी भी बेहतरीन निकल कर आएगी, जायरो हार्डवेयर बेस है। बैटरी की बात करूँ, 4500 mAh की बैटरी है, विद 33W फास्ट चार्जिंग, बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ गुजारा हो जाएगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए कभी कभार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गाइस देखो ओवरऑल बात करूँ ना इस फोन को लेकर, इस बजट में जितने भी फोन आ रहे हैं ना, ये कैमन 16 प्रीमियर जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, लाइक स्टोरेज, प्रोसेसर, कैमराज, खासतौर पर कैमराज, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही है, लाइक एवरीथिंग। सो ये एक बेहतरीन पैकेज है, बेहतरीन डील है उन लोगों के लिए जिनको अभी के लिए 30,000 में कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन लोगों को मिल गया है। अब आपको ये फ़ोन लेना कैसे है, कहाँ से मिलेगा, देखो इस फोन की एक्चुअल प्राइस 40,000 है, लेकिन एक्सपायर के ऊपर, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या यहाँ पर डाल दूंगा कॉर्नर में, वहाँ पर आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। यस 10,000 का हॉट डिस्काउंट चल रहा है उस वेबसाइट के ऊपर, और ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। यस आजकल इनके साथ बहुत सारे ब्रांड्स को कोलैबोरेट कर रहे हैं, और खासतौर पर ये इन्फिनिक्स के फोन्स को सेल कर रहे होते हैं। आपको पता होगा कि 08 वो भी ये 30,000 का दे रहे हैं, बट ये कैमन 16 प्रीमियर ज्यादा बेहतर है। देखो अब आप मुझे बताओगे आपको ये फोन कैसा लगा, आप इसको परचेज करने वाले, अगर आपको 30,000 में एक अच्छा सा फोन चाहिए था, आपके क्या थॉट्स है इस फोन के बारे में। बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, ये एक बेहतरीन फोन है, तो मेरा दिल यही है कि नोट 10 प्रो को सेल कर दूं और वो टेक्नो का कैमन 16 प्रीमियर ले लूं, बिकॉज एक अच्छी डील है और उसमें कैमरा
बेहतरीन है ये नोट 10 प्रो से। सो यार आप क्या सोचते हैं लाजमी से बताना, बट मुझे तो फोन काफी बेहतरीन लगा, एक अच्छी डील, अगर आपको लेना है तो परचेज कर लो। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, ना अच्छा लगे कमेंट से बताना कि तलहा भाई इस चीज को इंप्रूव करे तो तलहा भाई करेंगे। सो भाई आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी बताना कुछ भी पूछना कमेंट्स में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिए भाई, बाय।